आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा ने मेगा प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर चक्का जाम किया जा रहा है। रायपुर के लालपुर चौक पर नंद कुमार साय के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस वजह से काफी देर तक लालपुर में गाड़ियों का जाम लगा रहा। उधर जशपुर के बागीचा चौक पर भाजपा मोर्चा ने चक्का जाम किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव साय ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सुकमा में भाजपा जिलाध्यक्ष धनीराम के साथ बीजेपी कार्यकर्ता नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम के लिए पहुंचे हैं। तीन तस्वीरें। वैसे पूरे प्रदेश में आज बीजेपी एसटी मोर्चा ने आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शित किया है, चक्का जाम किया है। हर जिले में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिनके अगुवाई में नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। हम जनजाति समाज और भारतीय जनता का जनजाति मोर्चा केवल अपने जीवन मरण का प्रश्न आरक्षण को लेकर के ये लड़ाई लड़ रही है। जब तक ये आरक्षण बहाल नहीं होता तब तक ये संघर्ष। आदिवासी आरक्षण कटौती के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा ने आज पूरे प्रदेश भर में हाईवे में चक्का जाम किया है। और आप, हम रायपुर के लालपुर में यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप दो चक्का जाम यहाँ पर किया जा रहा है और इस वजह से देख रहे हैं कि दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है और बसों में जो यात्री आ रहे थे उनको उतर कर यहाँ पर आना पड़ रहा है। पुलिस इनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है मगर ये जो है धरना प्रदर्शन चक्का जाम के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं और ये चक्का जाम को देखते हुए जो बस्तर और अभनपुर से जो गाड़ियां आने वाली है और रायपुर से जो अभनपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं उनका मार्ग डाइवर्ट भी कर दिया गया है। जो आप कमल विहार चौक है वहां से मार्ग डाइवर्ट किया गया है, दुर्ग की गाड़ियों को कमल विहार होते हुए रवाना किया जा रहा है। वही जो महासमुंद की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं उनको वीआईपी रोड होते हुए कमल विहार से वीआईपी रोड होते हुए रवाना किया गया। इसी तरह आपको इधर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ रायपुर से जो गाड़ियां आ रही है और जिनको वापस जाना है उनको भी यहाँ पे कमल विहार वाले जाने वाले रास्ते से रवाना किया जा रहा है और अभनपुर जाने वाली गाड़ियों को रायपुर से जो गाड़ियां आ रही है इस रास्ते से रवाना किया जा रहा है। काफी संख्या में पुलिस का बल यहाँ पर मौजूद है, लगातार नारेबाजी चल रही है, प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हर जहाँ पर जहाँ प्रदर्शन हो रहा है वहाँ वहाँ पर आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई थी नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जयंती पटेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितने देर तक ये चक्का जाम चलेगा। ये 2 घंटे का चक्का जाम रायपुर शहर के अंदर में आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रखा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासियों को मिलता था, भूपेश बघेल की सरकार ने कोर्ट के अंदर में सही प्रस्तुत न करने के कारण वह 20% हो गया। आदिवासी समाज उद्वेलित है। तो आपने सुना कि आदिवासी समाज काफी उद्वेलित है और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा द्वारा इस तरह का जिला मुख्यालयों में हाईवे में चक्का जाम किया जा रहा है और इनका कहना है कि लगभग 2 घंटे तक वो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। कैमरामैन दखल नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासियों का आरक्षण है और इस मुद्दे पर आज बीजेपी एसटी मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश जी, ये बड़ा मुद्दा, एक तो बाय इलेक्शन सामने, फिर 23 का इलेक्शन है, थमने वाला नहीं है, आज का प्रदर्शन कैसा रहा, एकजुटता दिखाई पड़ी? देखिए, अगर आज के प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा का ये आह्वान था और भारतीय जनता पार्टी जो एसटी मोर्चा है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। पहले सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया, वहां के कलेक्टरों को प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया, फिर राजभवन गया भारतीय एसटी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें आदिवासी नेता भी थे, वहां पर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे पाया और आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता
नेताओं द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में इस तरह का प्रदर्शन किया गया था। तो जिस तरह से अभी भानुप्रतापपुर में उपचुनाव और उसके बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया आरक्षण की कटौती के नाम पर, उसको लगातार भुनाने में लगी हुई है। आज के प्रदर्शन की बात करें तो आज का प्रदर्शन सभी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में हुआ था और चूंकि पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन था इसलिए उतनी भीड़ नजर नहीं आई। रायपुर में, लालपुर में था और कोंडागांव में भी था, नारायणपुर में भी था, सुकमा में था, जगदलपुर में था, सरगुजा में था, तमाम जगहों पर था और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी आदिवासी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो उपस्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो उतना पावरफुल नहीं दिखा, मगर जो एक संदेश एक जो पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। बिल्कुल राजेश, जैसा आप दिखा और बता रहे हैं इसी मुद्दे पर हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं।